माई सेल्फ डॉक्टर रेनू बंसल। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर थर्ड टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। एफिनिटीज ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स हैव एन इंटरमीडिएट पोजिशन बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड हायर वास्कुलर प्लांट्स, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ऑन वन हैंड द simplest living vascular plants, example xylotales, lycopodials, resemble with the fossil bryophytes and may have come from the same ancestral stock. And on the other hand, pteridophytes resemble with the higher plants in having complex internal organization of the sporophyte, but differ from them in the absence of seed habit. Due to such special features, the independent identity of pteridophytes is justified. Resemblances of pteridophytes with bryophytes. दोनों के अंदर ही heteromorphic alternation of generation पाया जाता है। दोनों groups में sexual reproduction उगेमस प्रकार का होता है और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया कहा जाता है। दोनों में ही सेक्स ऑर्गन्स एक प्रोटेक्टिव लेयर जैकेट से कवर्ड रहते हैं। बोथ ग्रुप्स में मेल गैमिट चल या मोटाइल होता है, यानी कि उसमें फ्लैजेला पाए जाते हैं, और फीमेल गैमिट अचल यानी नॉन मोटाइल या नॉन फ्लैजेलेटेड होता है। दोनों ग्रुप्स में वाटर इज एसेंशियल फॉर द ओपनिंग ऑफ मैच्योर सेक्स ऑर्गन्स एंड फर्टिलाइजेशन। ब्रायोफाइट्स की तरह से कुछ टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं, जैसे लाइकोपोडियम एक्सेट्रा। कुछ टेरिडोफाइट्स जैसे राइनिया साइलोटम के अंदर ब्रायोफाइट्स की तरह से राइजोइड्स पाए जाते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। प्लांट बॉडी, जो मेन प्लांट बॉडी होती है टेरिडोफाइट्स की, वो स्पोरोफाइट होती है, जबकि गैमेटोफिटिक होती है वो ब्रायोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स के अंदर मेन प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड पाई जाती है, लेकिन ब्रायोफाइट्स में जो मुख्य पादप शरीर होता है वो थैलस नुमा होता है, यानी उसमें रूट, स्टेम और लीफ का डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता। टेरिडोफाइट्स के अंदर वेल डेवलप्ड वास्कुलर टिश्यू सिस्टम पाया जाता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ब्रायोफाइट्स के अंदर ये वास्कुलर टिश्यू सिस्टम नहीं पाया जाता। ब्रायोफाइट्स हमेशा होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन टेरिडोफाइट्स हेट्रोस्पोरी भी शो करते हैं। इसी तरह से ब्रायोफाइट्स के अंदर स्पोरोफाइट में स्पोर्स के साथ में इलेटर्स भी पाए जाते हैं, लेकिन इलेटर्स जो हैं वो टेरिडोफाइट्स में नहीं पाए जाते। रिजेम्बलेंसेस ऑफ टेरिडोफाइट्स विद जिम्नोस्पर्म्स। दोनों तरह के ही प्लांट्स के अंदर मुख्य पादप शरीर जो है वो स्पोरोफिटिक होता है, यानी कि रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड पाया जाता है। इन बोथ ग्रुप्स यंग लीव्स शो सर्सिनेट पनेशन। दोनों ही ग्रुप्स के अंदर वास्कुलर टिश्यू सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। दोनों ही केसेस में प्लांट्स हेट्रोस्पोरस कंडीशन शो करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जैसे साइकस, गिंगो, इन प्लांट्स के अंदर एंथ्रोजॉइड्स जो है वो सीलिएटेड होते हैं, लाइक दोज ऑफ टेरिडोफाइट्स। देर इज रेगुलर अल्टरनेशन ऑफ गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन इन बोथ ग्रुप्स। डिफरेंस बिटवीन टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म्स। टेरिडोफाइट्स यूजुअली मॉइस्ट या शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं, वेर एज जिम्नोस्पर्म्स यूजुअली ग्रो इन द जीरोफिटिक हैबिटेट। इन टेरिडोफाइट्स वास्कुलर कैम्बियम पाया जाता है, वास्कुलर कैम्बियम नहीं पाया जाता,
जिस वजह से उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, लेकिन इट इज़ प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स। टेरिडोफाइट्स के आर्किगोनिया के अंदर नेक कैनाल सेल्स पाए जाते हैं, बट दे आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के अंदर डेवलपमेंट जो गेमेटोफाइट का है वो इट इज़ इनिशिएटेड आफ्टर द डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स फ्रॉम द स्पोरेंजियम, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में द फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप्स इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम विच इज परमानेंटली अटैच्ड टू द स्पोरोफाइट एंड माइक्रोस्पोर्स आर रिलीज्ड एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। मतलब फीमेल गेमेटोफाइट जो है उसका डेवलपमेंट मेगास्पोरेंजियम के अंदर होता है और माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस पर मेल गेमेटोफाइट से रिलीज होते हैं। पॉलन ग्रेन्स एक पॉलन ट्यूब बनाते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो कि टेरिडोफाइट्स में नहीं बनते। दैट्स ऑल।